हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया, चलनी भी चाहिए। जियो मैग्नेटिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जियो मैग्नेटिज्म के पक्ष में एविडेंस क्या है, मतलब अर्थ एक मैग्नेटिक नेचर शो करता है, इसके पक्ष में हमने कुछ एविडेंस रखे थे और कुछ प्रमाण था, और उसके बाद कुछ हाइपोथेसिस पढ़े थे कि ये सब इन सब नेचर्स के कारण, इन सब वजहों से अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर है। ओके, अब हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक नेचर तो है, उसकी कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमें किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो ये कोई हाइपोथेटिकल इंग्रेडिएंट्स फलान ढिमकान ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स है अर्थ का, ठीक है? उसको स्टडी करने के लिए लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, अब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? मतलब एक चीज तो ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म आपको पढ़ना है, लेकिन अगर उसकी कंप्लीट स्टडी आपको चाहिए तो कुछ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उससे जो रिलेटेड है उसकी स्टडी करनी है आपको, ठीक है? तो उसके बिना आपको वो एलिमेंट समझ में नहीं आएगा। जैसे एक एप्पल को लिखना है आपको AAPLE, हाँ, तो उस इसके लिए आपको क्या जाना होगा, इंग्लिश का अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स जाना तो जरूरी है ना, तो वैसे ही है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उस एलिमेंट्स को समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए, ये जो है ना अर्थ है, ठीक है? और ये जो है अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। ऊपर वाला ही तो होता है नॉर्थ कि नीचे वाला होता है, बताओ क्या होता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ही तो नॉर्थ होता है। तो ये क्या होगा, नॉर्थ, और ये होगा साउथ, ठीक है? अब इस नॉर्थ साउथ से जो लाइन पास करती है उसको कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है? अर्थ ज्योग्राफिक एक्सिस, देखो ज्योग्राफिक एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो लाइन पास करती है उसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस। ओके, अब देखो ज्योग्राफिक एक्सिस तो ये हो गया, तो अर्थ के नॉर्थ ये क्या है, अर्थ का नॉर्थ है, ओके, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। कौन सा साउथ? ज्योग्राफिक साउथ। अब ज्योग्राफिक लिखने के पीछे क्या है, मतलब जो उसकी मैग्नेटिक भी साउथ होता है, मैग्नेटिक भी नॉर्थ होता है, ठीक है? अब अर्थ का जो ज्योग्राफिक नेचर या उसके ज्योग्राफी के कारण जो पोल है उसको कहते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। नॉर्थ पोल है तो ज्योग्राफिक नॉर्थ, और साउथ पोल है तो ज्योग्राफिक साउथ। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब मैग्नेट के, तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस, ये तो क्लियर है। अब देखो, जब किसी तुम मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, बार मैग्नेट को, तो वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, ओके? अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड हुआ तो हम मैग्नेट का जो हम नॉर्थ ले रहे हैं वो अर्थ का क्या होगा, साउथ होगा। समझ में आ रही बात है? देखो इधर एक बार मैग्नेट से तुमको समझा ही देते हैं अच्छे से बात। जैसे ये जो है ना, ये बार मैग्नेट है, इसको मैंने ऐसे सस्पेंड कर दिया, ठीक है? अब देखो इसका कुछ खास ओरिएंटेशन होगा, देखना घूम करके एक जगह आ जाए, देखो ये रुक गया एक डायरेक्शन में। तो ये जो है, ये एक बार और दिखाया था तुमको, ये बार मैग्नेट एक डायरेक्शन में रुका ना, ये जो है, ये व्हाइट चीज जो दिख रहा है तुमको, इसको नॉर्थ है मार्क, तो ये नॉर्थ है, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा अपोजिट पोल का, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गया। तो वो जो अपोजिट है, मतलब नॉर्थ के अपोजिट है, वो क्या है, साउथ है। तो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ के साइड, अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ के साइड साउथ पोल होता है, कौन सा, मैग्नेटिक साउथ पोल। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल जो होता है अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास होता है। जैसे ये देखो, ये दोनों पास में नहीं है,
तुमको बताया मैंने कल कि अर्थ के रोटेशन के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर आता है, ओके? ये पढ़ा था। और तुम जानता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़े से टिल्टेड है ना, टिल्टेड। तो होता क्या है, वो टिल्ट मतलब टिल्टेड होने की वजह से वो जो मोल्टेन आयरन ओर है ना वो घूमता है, तो उसका जो मैग्नेटिक नेचर आता है ना थोड़ा सा घुमा हुआ सा आता है, ओके? और कुछ एंगल पर डेविएटेड रहता है, मतलब अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल के ही अलोंग नहीं रहेगा, कुछ एंगल पर वो भी टिल्टेड रहेगा। तो वो जो एंगल है तुम्हारे बुक में अभी ये चेंज होते रहता है 11.2 डिग्री, ठीक है? अब ये परिवर्तन इस अभी पढ़ेंगे ये सब चीजों के बारे में, लेकिन ये जो एंगल है दोनों जो एक्सिस आपस में एंगल बनाते हैं वो 11.2 डिग्री है, ठीक है? अब देखो मैग्नेटिक एक्सिस, हम ये इस चीज समझ ले, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ से पास करता हो, ये देखो ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक मैग्नेटिक साउथ पोल, एंड ये क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या हमें समझ में आ रही है इतनी बातें? नॉर्थ पोल, ओके? तो ये है, इस पोल से पास हो रहा है यहां, ओके? इतनी बातें हमारे क्लियर है। तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक एक्सिस, ओके? ऊपर वाले, ऊपर वाला क्या है, ये है एनजीएसजी, ये क्या है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस, ओके? ये क्या कहलाता है, ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और ये जो एक्सिस है SMNM, ठीक है, साउथ नॉर्थ, ये जो एक्सिस है ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं बेटा, ये मैग्नेटिक एक्सिस। क्या हमें बातें क्लियर हो रही है? अब उसके बाद है मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको समझो। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे ये मैग्नेटिक एक्सिस है और इस पर परपेंडिकुलर एक सर्कल पास हो रहा है ऐसे, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ज्योग्राफिकल एक्सिस पर अगर पास होता है तो उसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ऑफ कोर्स बीचों बीच जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसी को, उसी बड़े सर्कल को या परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, लेकिन वो तो सर्कल ही होता है ना, हर जगह से पास होता है, पीछे नीचे से भी पास होता है। अर्थ क्या है, एक स्फीयर है सर्कुलर, तो ऊपर नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो अगर मान लो इस यहां से पास हो रहा है तो इसके धरती में खोदते जाओ, फिर उसने डायरेक्शन में से भी पास होगा, नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होता अर्थ के अंदर, तो फ्लैट थोड़े दूर तक दिखता है। अब जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाओ नॉर्थ जाते जाओगे, फिर जाते जाओ फिर साउथ आ जाओगे, तो घूमते रहो सर्कल में। सर नॉर्थ पोल भी बढ़ा रहे, साउथ पोल भी बढ़ा रहे, कहते होता भी नहीं है। देखो फ्लैट सिचुएशन में ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लेकिन अगर तुम नॉर्थ जाते गए, यहां पर जाके फिर उधर जा आ गए, तो ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है ना। यहाँ कोई आदमी है वो चले आए चले आए चले आए, तो इधर आ जाएगा, नहीं इधर से फिर नीचे ये दिखेगा। क्या बातें समझ में आ रही है? मतलब कहने का ईस्ट वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो फ्लैट रीजन में, अर्थ स्फीयर है, जाते जाए ईस्ट तो आप कैसे चले जाए ईस्ट, ईस्ट जाते 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 जाए आप वेस्ट पहुंच जाएंगे, सर्कुलर है ना ये। अब देखो इधर ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो SMNM ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद है मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो मैग्नेटिक इक्वेटर तो एक्सप्लेन कर दिया, एक बड़ा सर्कल जो मैग्नेटिक एक्सिस के बीचों बीच परपेंडिकुलरली पास होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ज्योग्राफिक मेरिडियन, देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। एक वर्टिकल प्लेन, जो प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस के बीचों बीच परपेंडिकुलरली पास होता है, या ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से परपेंडिकुलरली पास होता है, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। देखो द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। जैसे मान लो सपोज करो ये चीज है, ये यहाँ पर एक वुड है, ओके, और इसको इस एक्सिस से तुम बीचों बीच पास करा दो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा,
व्हाट इज दिस, अगर बीच से, क्योंकि ये एक स्फेयर है, ठीक है, फ्लैट थोड़ी है, तो 2D में दिखा रहे हैं, तो स्फेयर के बीचों बीच जो लाइन पास होगी, ये प्लेन जो पास होगा उसको क्या कहेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके, अब मैग्नेटिक मेरिडियन भी है एक तरह, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में वही है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो एक प्लेन पास करेगा, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये कंप्लीट एनालिसिस है। अब एक मैग्नेटिक मेरिडियन लिखना है, लिखते हैं, उसके बाद एलिमेंट पर। अब फिफ्थ नंबर पे मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैंने ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपको समझाया था, मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो बात वही है कि मैग्नेटिक एक्सिस से, अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से जो एक वर्टिकल प्लेन पास करेगा, दैट इज नोन एज, दैट प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, तब उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब देखो, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ में नया, अब ये सब तो ठीक है, मैग्नेटिक ज्योग्राफिक और आपको मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस, ये सब समझ में आ गई बातें, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर है कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है, अर्थ का अपोजिट होता है, ठीक है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके, और ये तो तुमको क्लियर है ही कि वो दोनों एक पर लाई नहीं करेगा, कुछ एंगल्स बनाएगा, वो टिल्ट होने की वजह से ना, जो ओर होता है मोल्टेन आयरन रोड, वो भी टिल्ट होता है, और उसकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं इसकी वजह से, तो ये जो है ना उसके कारण मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, ये नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मत पूछो कि कितने बार आया हुआ है, ठीक है, हर बार आया हुआ है, इससे न्यूमेरिकल पूछ देगा या फिर राइट द एलिमेंट्स डेफिनेशन पूछ देगा, डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो ये चीज लिखेगा, वो सब नहीं लिखेगा, वो तो डेफिनेशन था, इन्हीं बातों को समझने के लिए वो सब पढ़े अपन, ठीक है, पांच चीज पढ़े हैं, ये तीन ही चीज है, इसको पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने उसकी पढ़ाई करी हो, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ये जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस, ओके, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये सब इन्हीं को बातों को समझने के लिए पढ़ा है। देखो, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाई 3 पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, अर्थ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दे आर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, बोलते हैं डिक्लिनेशन बोलो, ठीक है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ये जो है ना अल्फा है, इससे अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है, अपन पूरे इसमें, वैसे थीटा से भी कर सकते हैं, डिनोशन ही तो है, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ये जो है ना डेल से डिनोट होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, इन सब चीजों की स्टडी हम एक एक करके इंडिविजुअली डेफिनेशन समझते हैं और फिर कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, तो वेट कीजिए, एक बार इसको रफ कीजिए और तब सारा चीज आएगा, इसमें उसका डायग्राम भी बनाना होगा। प्यारे बच्चे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, ये पहला पॉइंट यही है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन अल्फा एट दैट प्लेस, मतलब ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। अब ये क्या है बना हुआ, एक तो ये समझ लो, ये बहुत अच्छा, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बीच में ये बीचों बीच जो लाइन जाती है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो है नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ, इससे एक पर्टिकुलर लाइन एक ज्योग्राफिक मेरिडियन पास होगा, तो ये जो एंगल बनेगा ना दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और एक ओपन बुक डायग्राम है, ओपन बुक डायग्राम में क्या करना है, देखो इधर बुक को ओपन करके डायग्राम बना दिया, तो इसको नाम कर दिया ओपन बुक, अब देखो खोल करके, मैं भी ओपन करके दिखा देता हूँ इसको, देखो जैसे ये जो है ना ये बुक है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या है, अब ऐसे बना हुआ है तो ऐसे, चलो कोई नहीं, अब इस हिस्से से समझ लो, बाकी बात समझ लिया ना, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन का नाम दिया हुआ है मैंने, और इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन, और
इसी चीज को अगर तुम ऐसे कर दोगे तो ये वाला अंदर वाला हिस्सा होगा, तो डॉट वाला जो लाइन है ना वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये क्या है, ये एक निडल है जिसको कहते हैं डिप निडल। ठीक है, दो तरह के निडल होते हैं, एक कंपास निडल और दूसरा डिप निडल। अब ये क्या होता है, देखो कंपास निडल फील करा देते हैं। देखो कंपास निडल ये है, इसको ऐसे रखते हैं, इसका मूवमेंट भी क्या होगा हॉरिजॉन्टल सर्किट में ऐसे। और अगर डिप निडल होगा, डिप निडल का मूवमेंट ऐसे होता है, जैसे ऐसे फिक्स होता है और ये आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब वर्टिकल प्लेन में मूव करता है। ठीक है, ऐसे नहीं चारों तरफ घूमेगा, समझ में आ रही बात है। तो यही है, एक डिप निडल है, जब इसको रखा गया ना तो ये डायरेक्शन हो गया इसका मैग्नेटिक, मतलब ये टोटल मैग्नेट के डायरेक्शन में आ जाता है, डिप निडल ऐसे बेंड हुआ। लेकिन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ है कुछ एंगल बनाता डेल, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, देखो डिक्लिनेशन का मतलब होता है मना करना, मतलब डिनाई करना कि अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना, उसमें उसको कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल को क्या हो जाना चाहिए, ओरिएंट हो जाना चाहिए, बस वो होता नहीं, एक्चुअल से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो डिक्लाइन ही तो कर रहा है, उतना एंगल जितना डिक्लाइन कर रहा है, जितना डिक्लाइन कर रहा है, डेक्लिनेशन जितना हो रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, डिनाई करना, मना करना, वो निडल एक्चुअल में ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ नहीं जा रहा है, थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। दूसरा है एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन मतलब तरफ आ जाना, एक्चुअल पोजीशन में आ जाना, इंक्लाइन हो जाना। अब देखो इंक्लाइन हो गया, ये मैग्नेट को जैसे मैंने तुमको कहा था वर्टिकल नॉर्थ ये ऊपर नीचे आएगा, तो ये एक्चुअल तो ये है टोटल मैग्नेटिक, लेकिन टोटल मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ इतना डिग्री का, डेढ़ डिग्री का एंगल बनाता है, तो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो मैंने लिखा है द एंगल मेड बाई द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कंपास निडल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, या तुम कह सकते हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जितना डिग्री का एंगल ये बनाता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अब इसको क्या कह सकते हैं एंगल ऑफ डिप, लेकिन चलो यहां समझ लो, मैंने एक थोड़े से आसान करना चाहा इसको, कैसे, देखो ये है निडल, ये निडल है इस तरह से, और ये, अब ये निडल जो है ना यहाँ रखा हुआ, इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे पास करे और वो लाइन इस निडल के साथ जितना डिग्री का एंगल बना रही, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो यही है बी, ये निडल है और ये जितना एंगल थीटा नहीं बेटा डेल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, शॉर्ट में तुम चाहो तो लिख लेना, एंगल मेड बाय टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द मैग्नेटिक मेरिडियन या फिर विद द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके, इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आई बात है, ये भी लिख सकते हो या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, द एंगल मेड बाई द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कंपास निडल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ओके, ये जो लाइन है ना दैट शुड बी लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको समझ के लिखना। ओके, तो ये बातें समझ में आई बात, ए वन एंड टू, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नाम से स्पष्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, तो देखो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, एक बार इसको समझ लो फिर इस पर आते हैं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है, दैट इज नोन एज अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसी को कहते हैं अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और इसी का एक कंपोनेंट इधर होगा, जैसे इसको बाहर निकाल देख लो,
ये है और एक इधर है, क्या मैं बातें समझ में आ रही, ये डेल है और ये बी है, तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल, ओके कॉस डेल, एंड डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट है बी साइन साइन डेल। नहीं, ये चीज तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है ना कि एंगल जिसके साथ बनेगा अलॉन्ग क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कॉस थीटा, और इधर जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल बी साइन थीटा, बी वी बी साइन थीटा, ओके। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अलॉन्ग होता है बी कॉस डेल, ओके। अब बी कॉस डेल जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। वैसे अगर मान लो जनरल, अगर तुम इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करो बी एच का, तो बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस डेल एट इक्वेटर, जहां इक्वेटर होता है एट इक्वेटर डेल की वैल्यू जो होती है जीरो होती है। क्यों? देखो कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट वहां नहीं होता, ऐसे होगा, ऐसे लाई करेगा, मतलब इस रोटेशन तो ऐसे ही होना है डिप निडल का, तो ऐसे लाई करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे टेढ़ा होकर ऐसे करके आता है ना, टेढ़ा नहीं मतलब सर्कुलर होकर के, ठीक है, तो वैसे ही चीज है। तो यहां पर डेल की वैल्यू जो है जीरो है, तो बी एच की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, बी एच क्या होगा, मैक्सिमम। और एट पोल, पोल पर क्या होगा, डेल की वैल्यू कितनी होगी 90, तो बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। मैक्सिमम क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, नहीं वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट, ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। दैट कंपोनेंट शुड लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करे। अब जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और इसका ये ए वाला नहीं, नीचे वाला हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब ना इसमें एक सिंपल सा रिलेशन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में, तो वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, यहीं पर बता देता हूं मैं, सिंपल सा है रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक, रिलेशन बिटवीन बीबी एंड बीएच, इनके बीच रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब बीबी एंड बीएच के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो देखो बीबी इक्वल टू क्या होता है, बी साइन डेल, एंड बीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस डेल, ओके। दोनों को स्क्वायर करो एंड ऐड कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एक एंड दो को स्क्वायर करके ऐड कर दो, बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो बी स्क्वायर को लिखेंगे तो बी बी प्लस बी एच, यहां से स्क्वायर रूट हटा दो, यहां लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट आ जाएगा ये बी बी प्लस बी एच, नहीं, और इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लो तुम इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग 1 by 2, 2 से डिवाइड कर दो, ओके, बताओ क्या होगा, साइन साइन डेल अपॉन कॉस डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बी अपॉन बी एच, ओके। तो साइन ए क्या है, बी बी है, बी कैंसिल हो जाएगा, तो टैन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी अपॉन बी एच, ओके। तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन इनवर्स और बी बी अपॉन बी एच, तो ये है तुम्हारा डेल का वैल्यू। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो यही डेल निकालना है, डिप एंगल, या एंगल ऑफ डिप इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तब मजा आएगा, तब तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, करते हैं उसको सॉल्व। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आपका सीबीएसई में, ठीक है, 2011-12 में, ऐसे फ्रिक्वेंटली अभी आता भी रहता है, ठीक है।
तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 1/√3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना 1/√3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दैट प्लेस। देखो ये अगर मान लो तुमको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, टैन डेल इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, ये तो पढ़ा है, पढ़ा है ना। अब देखो ये इस चीज को इधर लाओगे, इसको मतलब क्रॉस ऐसे लेके आओगे ना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। इस चीज को जब लिखोगे तुम बी वी अपॉन बी एच इधर से लाओगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट थ्री के इक्वल, मतलब रूट थ्री। क्या मैं बातें समझ में आई? तो टैन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना है रूट थ्री, तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। क्या मैं बातें समझ में आ रही, टैन 60 डिग्री ही तो होता है रूट थ्री के इक्वल। अब डेल एंगल ऑफ डिप, तो व्हाट इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, ये तो पता चल गया हमें, यही क्वेश्चन कर रहा था और ये हमें पता चल गया डिप। उसके बाद हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दैट प्लेस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच अपॉन बी तुमको करना है, समझ आ रही बात है। और बी एच क्या होता है, बी कॉस कॉस डेल, बी कॉस डेल अपॉन बी, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस डेल ही तो निकालना है आपको, और कॉस डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो बी एच अपॉन बी कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, और बी एच अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको रेशियो में लिख लो, बी एच रेशियो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:2। क्या बातें समझ में आ रही है, तो यही है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रेशियो है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिए 0.5 गॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस, इक्वेटर पर कितना बताया डिप एंगल 0, तो ये बी जितना है 0.5, तो बी एच हो जाएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना रहेगा तो 0 वो तो होगा ही, चाहे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड दे दे वो तो 0 है ना ही है, क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, ओके, मतलब डेल की वैल्यू जो एंगल ऑफ डिप है उसकी वैल्यू 0 होती है वहां पर, कहां पर, इक्वेटर पर, ओके। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं फिर नए कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक क्या, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, पॉइंट नियर द बार मैग्नेट, ठीक है, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन।